पे एमएससीबी वाले आए हैं रिपेयरिंग के लिए, तो देखते हैं रिपेयरिंग को कितना टाइम लगता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी 7:45 हो चुके हैं और इस व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और कल व्लॉग नहीं आया था क्योंकि कल मेरे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट। तो भाई साहब यहाँ पे काम चालू है, वो वहाँ पे जो है वो फूट चुका है। सो इस साइड का पूरा जा चुका है। और चल सर्किट बोर्ड भी दिखाएंगे, आ जा। चलो तो यहाँ पे मेरे मेकअप वगैरह लिख रहा था, इसलिए कल व्लॉग नहीं डाल पाया। और अभी 7:45 और यहाँ पे ठंडी भी बढ़ चुकी है, पर सामने जो है वो काम चालू चुका है, तो इसलिए आपको थोड़ी आवाज आ रही होगी खर खर करके। तो अभी फिलहाल के लिए 8:15 बजने वाले हैं, तो क्लास के लिए बैठते हैं, उसके देखते हैं 11 बजे का क्या सीन होता है। आज सोच रहा हूँ कहीं और जाएंगे मतलब घूमने को, तो उसके बाद का सीन देखते हैं। और अभी नाश्ता वगैरह भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं 11 बजे का क्लासेस खत्म होने के बाद क्या होता है। तो मिलते हैं क्लासेस होने के बाद। सो गाइस वो देखो अंकल कहाँ खड़े हैं भाई, स्लैब डालने के लिए कोई सपोर्ट भी नहीं है, सिर्फ उनको खिले ठोकने के लिए वो इतना ऊपर बैठे हैं। भाई साहब नेक्स्ट लेवल टैलेंट है भाई। यहाँ पे मेरे सामने जो घर बन रहा है उधर जो आए मजदूर भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, तालियां होनी चाहिए भाई। सो गाइस फिलहाल के लिए नाश्ते में है आज आलू के चिप्स, तो उसको खाते हैं और क्लास में बैठते हैं और फिर देखते हैं क्लास होने के बाद क्या सीन रहता है। गाइस 12 बज चुके हैं और क्लासेस तो खत्म हो चुकी है, अभी मैं स्कूल से भी आ चुका हूँ और फिलहाल के लिए अभी नहा धो के खाना वगैरह खाते हैं, फिर देखते हैं दोपहर का क्या सीन रहता है। और अगर दोपहर को कहीं बाहर वगैरह जा रहा हूँ तो बता दूंगा। और अभी शायद से मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, एक रोस्टिंग वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, शायद से पता नहीं कब तक आएगी, पर मैं आज सोच रहा हूँ बनाने की शूट करने की। 3 बज चुके हैं और लाइट जा चुकी है, यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं लाइट के क्या हालचाल देखने को। यहाँ पर मेरे साथ मैंने एक कैमरा मैन हायर किया है अरम, जो कि भाई नीचे रहता है मेरे दरिच, तो अभी हम नीचे जाते हुए। तो यहाँ पे अभी मैं इसको कैमरा देता हूँ, आप बताता हूँ क्या यहाँ पे चल रहा है सीन। पीछे के आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड ये पूरी तरह से फूट चुका है, और मतलब इसके कारण एक अंदर भी शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, मतलब 5 मिनट में। वो अरम जो है वो पानी पीने गया है, तो वो बोल रहा है मैं कैमरा पकड़ूंगा तो हम वहाँ जाते हैं। और यहाँ पे अभी ये रिपेयरिंग हो रही है, तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे एमएससीबी वाले आए हैं रिपेयरिंग के लिए, तो देखते हैं रिपेयरिंग को कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे एमएससीबी वाले आए हैं रिपेयरिंग के लिए, तो देखते हैं रिपेयरिंग को कितना टाइम लगता है। जब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा फूटा है वो बोर्ड। तो ये जो साइकिल देख पा रहे हैं हमारा साइकिल ग्राउंड में, ये भी साइकिल मेरी है और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी साइकिल ये ली है, और वो सब भी साइकिल हमारे बिल्डिंग वाले की है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड जो फूटा हुआ है, तो ये वाला जो बोर्ड है ना वो फूट चुका है और जिसके कारण लाइट भी जा चुकी है, तो देखते हैं क्या होगा कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं। और इस तरफ पूरा खाली है और हम एक्सप्लोर करते हैं, थोड़े देर टाइम पास कर रहे हैं नीचे, तो थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाते हैं, जो कैमरा मैन है उसकी थोड़ी हंसी मजाक करते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अरे सामने काम के ऊपर, तो चलते थोड़ा आ जाओ। और यहाँ पे हम जाते हुए तो भाई ही जा रहे हो ऊपर देख के, तो गाइस अभी हम जाते हैं सामने काम के। और तो भाई साहब यहाँ पे काम चालू है नेक्स्ट लेवल वाला, और ऊपर जो मैं बोल रहा था अंकल अभी भी है, ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर इस तरफ। और यहाँ पे आराम है जो कैमरा शूटिंग कर रहा था अभी, और फिलहाल के लिए जब भी कैमरा शूट होगा तो इसको ही बुलाना, इसने बोला। और यहाँ पे हम थोड़ा टाइमलेस बनाते मतलब छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं, तो इन्जॉय करना। We'll be right back.
सो गाइस अभी हम निकले थोड़ी देर साइकिलिंग को और अभी थोड़ा स्पीड में एंजॉय करना और यहाँ पे एंजॉय करते रहना। मैं इसको बैक मोड में डालूंगा। सो गाइस लिटरली अभी हम गए थे संजय समोसा के सामने से और अभी भी वहाँ पे बहुत भीड़ थी और फिलहाल के लिए भी हम घर जाते हुए तो एंजॉय करना। साइकिलिंग से और साइकिल हम दोनों ने रख लिए और फिर आइकिल लॉक वगैरह लगाते हैं और लाइट अभी तक नहीं आई है तो थोड़ी देर अब ऊपर रहेंगे। अब तक लाइट लेंगे तो अभी कुछ मतलब करूँगा नहीं मैं, एडिटिंग वगैरह सब स्टॉप हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अब देखते हैं शाम को यार आपको कैसे इन रहता है और ऊपर हल्दी का होगा कार्यक्रम चालू है मम्मी का, तो अभी हम नीचे ही थोड़ी देर और हम टाइम पास करते हैं और देखते हैं। अभी तो फिलहाल के लिए 4 बजने बाद चुके हैं और देखते हैं रात का सीन होता है यहाँ पे आराम लॉक लगाते हुए और बहुत मज़ा आया हमको घूमने, आपको एंजॉय किए होंगे आई होप सो। सो देखते हैं शाम को यार आपको कैसे सीन रहता है। एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। सो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Been keeping strong, now you just gotta let me go. Time wash away every feeling that can cause me pain.